नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्गमूल और घनमूल। ये वर्गमूल और घनमूल का इंट्रोडक्शन क्लास है और इस क्लास में हम वर्गमूल और घनमूल के बारीकियों के बारे में चर्चा करेंगे कि वैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है ताकि वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड अगर आप कंपटीशन में एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप उसको आसानी से बना पाएँ। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें जानना है। देखिए, वर्गमूल जो होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। वर्गमूल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट और घनमूल को हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। घनमूल को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं, CUBE, क्यूब रूट्स कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। कह रहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। तो मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 15। 15 का अगर आप वर्ग करते हैं तो आपको आता है 225। क्या 225 के अंत वाला जो आप अंक है उसमें 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है? नहीं है। अब देखिए, यहाँ आपको 16 है, 16 का वर्ग कीजिएगा तो आ जाएगा 256। क्या 256 का अंतिम अंक जो है उसमें 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है? नहीं है। 17 है, यहाँ 17 का वर्ग कीजिए, 17 का वर्ग हो गया 289। 289 संख्या के अंत में जो अंक है क्या उसमें 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है? नहीं है। इसी तरह 18 का वर्ग कीजिए, 18 का वर्ग 324। 324 के अंत में 4 है, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं है। 19 का वर्ग कीजिए 361, इसके अंत में 1 है, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं है। इसी तरह 20 का स्क्वायर करने के बाद आपको 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं मिलता है, 400 में डबल जीरो आपको मिल रहा है। 400 में डबल जीरो मिला है ना आपको, सिंगल जीरो थोड़े मिला है। तो यानी कि यह बात एकदम कन्फर्म रखिए कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उस संख्या में आपको 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं मिलेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया कि 225 है, 256 है, 289 है, ये जो आपकी संख्याएं हैं ये किसी संख्या का वर्ग है। ये संख्याएं जो हैं ये किसी संख्या का वर्ग हैं और वह जो संख्या है वह अगर गुना करेंगे दोनों को तो आपको यह पूर्ण वर्ग आएगा और पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आया? तो पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है वह किसी संख्या का वर्ग होता है, ठीक है, किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग होता है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके अंकों की संख्या 2 गुना या 2 गुना से 1 कम प्राप्त हो गई। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इसके अंकों की संख्या 2 गुना से 1 कम प्राप्त होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 एक अंक है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। इसका आप वर्ग कीजिएगा तो या तो आपको इस 2 गुना से, मतलब ये जो आपको संख्या 1 और 2 दिया हुआ है, दो संख्याओं का 2 गुना अंक प्राप्त होगा या फिर 2 गुना से 1 कम प्राप्त होगा। तो 12 दो संख्या है तो इसका 2 गुना क्या हुआ? 4 अंक हुआ। लेकिन आपको यहाँ दिया है या तो 2 गुना से 1 कम प्राप्त, यानी कि 4 अंक से 1 कम प्राप्त, यानी 3 अंक आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए यहाँ 144 आपको मिल गया, 3 अंक का है कि नहीं है? मान मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ अंकों की संख्या की बात हो रही है। तो अंकों की संख्या 1, 2 और 3, आई 12 अपने 2 गो अंक है, तो 2 अंक की जो संख्या हुआ उसका मान या तो 4 अंक में आएगा या 3 अंक में आएगा। समझ में आ रहा है ना, यही बात है। अब देखिए यहाँ पे आपको, देखिए मैं यहाँ पे जो आपको 4 अंक और 3 अंक बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि 2 गुना 2 आपको है तो 2 गुना इसका कितना हो जाएगा? 4 अंक, 2 दूनी 4 और 2 गुना से 1 कम, यानी कि 4 से 1 कम, यानी 3 अंक, वही आपको आया है। इसी तरह नीचे देखिएगा, 17 स्क्वायर, 17 में 2 गो अंक है तो इससे 2 गुना या तो यहाँ 4 अंक मिलेगा या 2 गुना से 1 कम, 4 से 1 कम, तो 3 अंक मिला है ना आपको, 289। इस तरह से आपको 36 आया है, 36 में 2 गो अंक है तो 36 का जो वर्ग होगा वह या तो 4 अंक का होगा। क्यों? क्योंकि 36 2 अंक का है तो इसका 2 गुना 4 अंक होगा
और या तो दोगुना से एक कम, यानी 4 अंक से एक कम हो जाएगा आपको, यानी आपको यहाँ पे तो 4 अंक आया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 36 का स्क्वायर 1296, यानी कि आपको 4 अंक आया है। 40 का स्क्वायर कीजिएगा, 40 का स्क्वायर 1600, यानी इस अंक 2 गो है तो इसका 2 गुना 4 अंक हो गया, आपको 1600 मिला। इसी तरह से यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 के स्क्वायर 4, तो 2 एक अंक है, तो 1 अंक का 2 गुना कितना होगा, 2 अंक, या तो 2 गुना से 1 कम, तो 2 गुना से 1 कम माने 2 अंक से 1 कम, यानी 1 कम माने कि 1, तो यानी 4 आपको 1 अंक है ना। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, 3 का स्क्वायर आपको दिया है, 3 1 अंक का है, 3 1 अंक का है, तो इसका 2 गुना यानी 2 अंक, या फिर 2 गुना से 1 कम, तो यानी 2 से 1 कम, तो यहाँ देखिए 1 आया अंक यानी 9 आया है। इसी तरह 16 का स्क्वायर, 16 में 2 गो अंक है, तो 16 में 2 अंक है, यानी कि या तो इसका 2 गुना या 4 अंक आना चाहिए, या 2 गुना से 1 कम यानी 4 से 1 कम यानी 3 अंक, तो देखिए यहाँ 256 3 अंक का है ना। इसी तरह से आपको 50 का स्क्वायर यानी 50 में 2 गो अंक है, और आपको 2 गुना इसका यानी 4 अंक, तो देखिए यहाँ 4 अंक 2500 दिया है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे रहेगा, कह देगा कि बताइए कि आपको 30 अंक का संख्या है, 30 अंक का संख्या है, और उसका यदि हम वर्ग निकालेंगे तो वह संख्या कितने अंक का होगा। तो देखिए 30 अंक का संख्या है, तो या तो इसका 2 गुना आएगा, यानी कहने का मतलब कि 3 दूनी 6, यानी आपको आ जाएगा 60 अंक का, या फिर आपको इससे 1 कम, यानी कहने का मतलब कि 59 अंक का आएगा। इसका वर्ग कितने अंक का आएगा, 59 अंक का या 60 अंक का। इसी तरह से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि 19 अंक का संख्या है, उसका जो वर्ग होगा वह कितने अंक का आएगा, तो कितने अंक का आएगा, या तो इससे 2 गुना आएगा यानी 38 आएगा, 19 दूनी 38, या इससे 1 कम, 2 गुना से 1 कम, यानी कि आपको 37 अंक का आएगा। बात यही कह रहा है, ठीक, बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल बनाने पर उसके अंकों की संख्या आधी या आधी से थोड़ा ज़्यादा पूर्णांक में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या का जब वर्गमूल बनाइएगा तो उसके अंकों की संख्या आधी या आधी से थोड़ा ज़्यादा पूर्णांक में प्राप्त होगा। ठीक, देखिए कहने का अर्थ यह है कि 256 यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है, 256 आपको पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यह 16 का आपको वर्ग है, 16 का वर्ग है, तो 256 आपको पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या में देखिए अंक कितना है, 3 गो है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल बनाने पर, ये पूर्ण वर्ग संख्या 256 है, इसका वर्गमूल बनाने पर उसके अंकों की संख्या आधी, यानी 3 अंक का है तो उसका बट्टा 2 आधी, या आधी से थोड़ा ज़्यादा, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1.5 आएगा, यहाँ गलती से मैंने 3 लिख दिया है, 1.5 होगा, तो यहाँ आपको आधी या आधी से थोड़ा ज़्यादा पूर्णांक में प्राप्त होगा। तो आधी तो 1.5 हुआ, तो इसको आधी से ज़्यादा यानी 2 अंक में प्राप्त होगा। तो देखिए आपको 16 2 अंक का है कि नहीं है, है ना, यही बात है। अब देखिए यहाँ 1296 है, 1296 कितना अंक का है, 4 अंक का है। पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल बनाने पर, पूर्ण वर्ग संख्या ये 1296 है, इसका वर्गमूल जब आप बनाइएगा तो इस संख्या के आधी यानी कि 4 अंक की संख्या, तो 4/2, यानी कि 4 अंक की संख्या तो 4/2, तो उसके बाद इसमें भाग दे दीजिएगा तो 2 अंक की संख्या, तो देखिए 36 2 अंक का है। इसी तरह से 324 3 अंक का है, तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5 या आधी से ज़्यादा, तो 2 अंक का हो गया, यानी 18 2 अंक का है ना। तो इसी तरह से आपको 7 अंक की संख्या का वर्गमूल कितने अंक में आएगा, कह रहा है कि 7 अंक की संख्या का वर्गमूल कितने अंक में आएगा, तो आसानी से निकाल लीजिएगा, 7 में आप आधा कर दीजिए तो आपको 7/2 यानी 3.5, 3.5 आ गया। इसका कहने का मतलब है कि आधी से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो 4 अंक का आपको होगा, पूर्णांक में होगा, तो 4 अंक के आपको संख्या होगा 7 अंक के संख्या का वर्गमूल निकालने पर। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है कि कोई विषम या सम संख्या जिस 25 अंक का है, उसका वर्गमूल निकालने पर, 25 अंक का है, सॉरी मैंने यहाँ वर्गमूल लिख दिया, 25 अंक का संख्या है, अगर उसका वर्गमूल निकालिएगा तो वो कितना अंक का आएगा, कितना अंक का आएगा, यही क्वेश्चन पूछता है। सम विषम संख्या 25 अंक का है, उसका वर्गमूल निकालने पर टोटल कितना अंक में उसका वर्गमूल आएगा, तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5, तो यानी 13 अंक का आएगा, हम 13 लिखेंगे, 12.5 नहीं लिखेंगे। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।